क्या आपने कभी बेहद खूबसूरत ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद अपनी अगली सुबह कुछ इस तरह देखी है कि जहाँ पे पूरे नेचर ने एक बर्फ़ की चादर ओढ़ ली हो? अगर नहीं एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ इट फील्स देन वेलकम टू माय चंचला टॉप एंड तुंगनाथ स्टोरी। मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुंगनाथ। और 5 बजे मैं उठा चंचला टॉप की ट्रैकिंग के लिए, जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है। बट उठते ही यार नज़ारा तो देखो, दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ तुंगनाथ और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर चंचला टॉप। तो आज मैं जा रहा था यहाँ का सनराइज़ देखने, बट सीन ये हुआ कि यार बर्फ़ पड़ गई और सनराइज़ तो अभी होना नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के जाता हूँ और इन नज़ारों को एंजॉय करूँ यार यहाँ के। इसके बाद हम सब लोगों ने चंचला टॉप चलने की तैयारी करी और ये जो सामने राइट हैंड पे जो होटल है वहाँ पे मैं रुका था, और यहाँ से निकलते ही मेरी मॉर्निंग यहाँ की इस ब्यूटी के साथ हुई। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब निकलते हैं चंचला टॉप के ट्रैक की तरफ। और यहाँ पर मुझे कुछ लोकल्स ने ज्वाइन किया है, तो लेफ्ट में नीरज, बीच में योगेंद्र और राइट में विकास। तो हम चारों लोग तो निकल पड़े हैं चंचला टॉप की ट्रैकिंग के लिए। सुबह सुबह यार बर्फ़ पड़ गई, अब पिघल रही है, ज़्यादा नहीं पड़ी बट फर्स्ट स्नोफॉल, बहुत मज़ा आया। अभी मैं पहुँचा हूँ बाबा तुंगनाथ का मंदिर है, यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट है और पहले हम जाएंगे चंचला टॉप और आते वक्त फिर मंदिर, उसके बाद फिर देखते हैं। और यहाँ की यार सीनरी बहुत औसम है प्रो। तो यार बर्फ़ पड़ी है, थोड़ा आराम से चलना पड़ रहा है इस टाइम पे। यार गिरने का डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, पर काफ़ी मज़ा आ रहा है यार ट्रैक करने में। सुबह सुबह भाई लोगों की स्पीड मुझसे कुछ ज़्यादा है, बट गुड, लोग ऊपर से अभी भी आ रहे हैं। तो इन्जॉय करते हुए मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से चंचला टॉप की ट्रैक में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। पर रास्ता थोड़ा सा रिस्की हो गया है स्नोफॉल की वजह से, तो थोड़ा सा रोड्स भी प्रॉपर देखनी पड़ रही हैं कि कहाँ रोड्स हैं, क्योंकि अगर पाँव फिसला तो। बर्फ़ की वजह से थोड़ा सा टफ हो गया ट्रैक, बर्फ़ की वजह से ट्रैक थोड़ा सा टफ हो गया। लोग ट्रैक करके नीचे आ रहे हैं और बोल रहे हैं लेट हो गए तुम लोग। और सनराइज़ तो वो भी नहीं देख पाए क्योंकि सुबह लग गए थे बादल और सनराइज़ प्रॉपर हुआ नहीं। तो बर्फ़ से ढका बड़ा मैदान और ऊपर एक नीला आसमान, क्या फील है बाबा। तो फाइनली चंचला टॉप पे पहुंच गया हूं मैं, और आई डोंट नो कि मैंने इतना अच्छा प्लेस कैसे मिस कर दिया यार उत्तराखंड में रहते हुए भी इतने टाइम तक, आई डोंट नो। और यहाँ भाई लोग जो हैं पूरी फोटोग्राफी वगैरह में लगे हुए हैं और मैं यहाँ की सीनरी को एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पहुँच के लगा कि मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ, बट अभी मंजिल दूर है ब्रो। वो लग तो एकदम पास ही रहा है बट है बहुत ज़्यादा दूर। तो रास्ता कन्फर्म करते हैं और निकलते हैं अभी यहाँ से। और नीरज भाई लोग राइट से आ रहे हैं और मैं भी लेफ्ट से निकल गया था। तो दोस्त देखो, मैं वहाँ से यहाँ तक आ तो चुका हूँ बट अभी मंजिल दूर है बाबा। जितना ऊपर चढ़ रहा हूँ ना ब्रो, समझ में नहीं आ रहा है किधर से जाऊँ यार, मतलब कोई स्पेसिफिक रास्ता तो है नहीं। उधर है चंचला टॉप यार, मैं पीछे से कैसे पहुँचूँगा? खैर जूतों के इंसान तो यहाँ भी हैं, तो देर किस बात की। चलो भाई बैठ क्यों गया शायद। तो नीरज भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है एक्चुअली। वो घर से बिना खाए पिए निकल गए थे और ऊपर चढ़ाई करते वक्त भाई को वोमिटिंग होने लग गई है, 2 या 3 वोमिट, और अभी वो बैठे थे। अब आराम से आ रहे हैं हम सब लोग। फिर बच गया मैं, चुका हूँ थक है ना, अब चल रहे हैं आराम से।
ट्रैक बहुत मज़ेदार था और बर्फ़ पिघलने लगी है। मतलब पहला स्नोफॉल तुंगनाथ। वैसे मैं पता है मैंने जब अपना प्लान बनाया था तो मेरा प्लान लेट होते जा रहा था, बट अगर मैं उस प्लान के हिसाब से टाइम पे पहुँच रहा होता तो मैं कल शाम को तुंगनाथ से निकल चुका होता। अच्छा हुआ मैंने उसे मिस नहीं किया यार। और सबसे बड़ी बात यह कल जब मैं रात को लेटा था तो ऐसे ही इन्हीं कपड़ों में लेट गया था, ठंडा बहुत था यार। अब सोच लो, यू कैन इमेजिन कि रात को बर्फ़ पड़ी है तो मौसम कितना ठंडा होगा। और दूसरी बात, ओले भी पड़ रहे थे, बर्फ़ भी पड़ रही थी, बारिश भी पड़ी रात को, तो जो छत थी वो टीन की थी और आवाज़ें ऐसी आ रही थी ना भाई कि कोई भी डर जाए ब्रो। समझ नहीं आ रहा कहाँ से चढ़ूँ यार, भाई लोग तो पहुँच गए, आवाज़ भी नहीं जा रही है वहाँ तक। इधर से चलते हैं वरना आगे तो बंद है पूरा। चलो ऐसा लग रहा है कहीं मैं बेयर ग्रिल्स ना बन जाऊं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से जूतों के निशान हैं। पानी में लाना भूल चुका हूँ पर मुझे लग रहा है कि मैं किसी इंसानी बस्ती तक जल्द ही पहुँच जाऊँगा। पानी बनने में तो टाइम है और भाई को ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, जब भाई ऊपर आ रहे थे तो नींद से जल्दी उठे थे यार और अचानक चढ़ाई कर रहे थे तो थोड़ा सा इनको पानी की ज़रूरत पड़ गई यार। अब क्या बताएं, आप जानते ही हो यार हाई एल्टीट्यूड की ट्रैकिंग में थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। अगर आप खाली पेट हो, पानी नहीं पिया, एनर्जी है नहीं तो कैसे करोगे। तो भाई ने तो अपना जुगाड़ ढूंढ लिया है। अब हम चलते हैं आगे और कुछ सीनरीज का इन्जॉय करते हैं। आप भी करो ना मेरे साथ इन्जॉय, जब आ ही गए हो इतना ऊपर तो चले फिर। चलो आओ चले। तो सब लोग यार इन्जॉय कर रहे हैं चंचला टॉप पे आकर के, मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ। ये रहा DSLR, इससे मैं यहाँ का एक टाइम लैप्स शूट कर रहा हूँ। और इधर तो देखो यार, मतलब पहली स्नोफॉल, मज़ा आ रहा है यार। नीचे शिवलिंग है, अभी चलता हूँ मैं नीचे, फिर दिखाते हैं। और आज क्या है, 12 बजे तक मुझे नीचे पहुँचना है, फिर यहाँ से मुझे राइड करनी है राइड टिल केदारनाथ ऑन रोड। उसके बाद फिर मैं जो चढ़ाई करूंगा वो कल करूंगा और बाकी कल परसों केदारनाथ एक्सप्लोर करेंगे। और
ये है तुंगनाथ बाबा का मंदिर और पीछे माउंटेन्स। मौसम साफ हो चुका है एकदम यहाँ का। और अभी चलते हैं अंदर। आज बर्फ़ पे नंगे पैर चलने का मज़ा ही अलग है यार। मतलब ठंडा तो काफ़ी लग रहा है बट अच्छा है यार। यह है उदक कुंड। ठंडी के मारे बुरा हाल हो गया यार, पैदल चल चल के आवाज भी नहीं निकल रही है। यहाँ की वाइब देख के यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है यार, बिल्कुल भी। और देखो ना यार, लोग धूप के मज़े ले रहे हैं, और क्योंकि ठंडा सच में बहुत ज़्यादा यार, बहुत ही ज़्यादा। और बाकी ऐसा माहौल देख के तो देनी बन गया। तो चलो अब टाइम आ गया है निकलने का। पिघली भी बर्फ़ पे चलना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, एकदम अंगूठे पे जोर डाल के चलना पड़ रहा है। बट अब क्या करना है, भूख लग रही है, खाना खाते हैं कुछ पराठे वगैरह, पराठा और चाय, और उसके बाद निकलते हैं फिर, क्योंकि आज मुझे जहाँ से केदारनाथ का मुझे ट्रैक स्टार्ट करना है, मुझे वहाँ तक बाइक लगानी है। सो टुडे आई हैव टू राइड अप्रॉक्सीमेट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम चोपता। मैं ब्रेकफास्ट करके अब यहाँ से निकलेंगे फटाफट। बाकी मज़ा बड़ा आ रहा है यार धूप में चल के बहुत देर बाद। चलो एंजॉय करो आप। और हम आ गए शॉर्टकट में, तो चलते हैं। और थोड़ा जल्दी पहुंचना है क्योंकि आज ही मैं सोनप्रयाग भी पहुंचना है। 70 किलोमीटर्स का राइड है पर मैं रोड्स का कुछ कह नहीं सकता, डाउन है एकदम। कल मैं जब चढ़ाई पे चढ़ रहा था यार, तो दिक्कत पता है क्या हो रही थी, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि ऊपर मुझे कहाँ रास्ता है, कहाँ जाना है, पर डाउन में पूरा दिखाई देता है यार। तो डाउन में उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप शॉर्ट चढ़ाई में लेते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। और ये देखो ब्रो, भाई शॉर्टकट के चक्कर में ऊपर तो पहुंच गए पर फंस गए। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि नीचे कैसे उतरूं और ऊपर भी कैसे जाऊं। फाइनली मैं मेन रोड पे पहुंच गया। बहुत मिस करूंगा यार यहाँ की फील्स को, यहाँ की वाइब्स को। और यार पता नहीं क्या हुआ, मंदिर से निकला तो मेरे GoPro ने धोखा दे दिया, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया यार। और अभी निकल रहे हैं हम सोनप्रयाग की तरफ, और तुंगनाथ में बस एक ही दिक्कत थी यार, वहाँ पे लाइट्स नहीं थी, तो मेरे सारे पावर बैंक्स की बैटरी जो है वो हो चुकी है ख़त्म। मेरी DSLR की बैटरी लो हो चुकी है और नीरज भाई लोग मेरा वेट कर रहे हैं आगे। ये देखो मिल गए सभी, और भाई लोगों के साथ थोड़ी देर राइड करते हैं और फिर मैं निकल जाऊंगा आगे। तो भाई लोगों को बाय बोलने का टाइम आ चुका है, सो से बाय ब्रो। और भाइयों यहाँ की रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं यार, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ। ऑफ रोडिंग तो मिलेगी मिलेगी। और ये जो रोड पे पानी पड़ा हुआ है ना, वो इस वजह से है क्योंकि केदारनाथ और तुंगनाथ दोनों जगह एक हैवी स्नोफॉल हुआ है, तो वहाँ का जो भी पानी है पिघल के नीचे आ रहा है, तो इस
वजह से बाबा पानी पानी और कीचड़ हो चुका है यार, और मेरा जो पीछे वाला टायर है एवेंजर का वो स्लिप कर रहा है बार बार। यहाँ पता चला अभी सोनप्रयाग है 4 किलोमीटर, और अब मैं आप लोगों को मिलूंगा सीधे रूम पे। तो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ सीतापुर, ये सोनप्रयाग से 1/2 किलोमीटर पहले पड़ता है, और यार आते हुए हालत ख़राब हो गई। मतलब मैं सिर्फ 15-10-20 की स्पीड से आया हूँ बिकॉज ऑफ रोड इतनी ख़राब है ना, ऊपर से केदारनाथ में बर्फ़ पड़ी है तो स्नो जितनी भी है पिघल के सारा का सारा पानी नीचे आ रहा है, तो एकदम कीचड़ कीचड़ हो चुकी है मतलब। और डस्ट इतनी ज़्यादा थी रास्ते में कि मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा पहले मैंने नहाया और मैंने अपना डिनर भी कर लिया है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि चोपता पे लाइट नहीं थी, मेरे सारे गियर्स जो भी मेरा गोप्रो और DSLR था उसमें बैटरी नहीं थी, पावर बैंक्स भी ठप हो चुके थे। तो आते ही पहले मैंने DSLR थोड़ा बहुत चार्ज किया, गोप्रो भी चार्जिंग पे लगाया है, लैपटॉप भी लगा दिया है और पावर बैंक भी लगा दिया चार्जिंग पे। सो कल के लिए फिर मैं एक्साइटेड हूँ। तुंगनाथ का ट्रैक तो कम्प्लीट कर लिया, अब बारी है केदारनाथ की, 16 किलोमीटर ट्रैक। सो आई एम रियली एक्साइटेड गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो यार, मतलब कर दो, अब तो मज़ा भी आ रहा होगा यार, अब तो कर दो। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।